61-year-old Shantaram ji ki, who wants to make at least one aspect of maths fun. Let's see how he does that. Namaste. Namaste ji. Namaskar Shantaram ji. Namaskar. Namaskar. तो Shantaram ji, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से, धुले डिस्ट्रिक्ट साकरी तालुका. मेरा ट्राइबल एरिया में छोटा सा गांव है बल्लाना, वहाँ से मैं आया हूँ. और आप क्या करते हैं? मैं टीचर था मैडम, अभी रिटायर हो गया हूँ. और आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे? मैं मैथ और साइंस. वाओ, रिटायरमेंट के बाद आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं? मैं खेती करता हूँ सर, अभी गाँव में अभी 1000 पेड़ आम्बे के लगाए हुआ खेतों में. ओके, नाइस, बढ़िया. और Shantaram ji, एकदम रिलैक्स होके, एकदम एंजॉय करके अपने आइडिया के बारे में बताइए प्लीज. ठीक है सर. लॉकडाउन का पीरियड था, हर आदमी घर में बोर होता था. मैं ही बोर हो गया. सोचते सोचते मेरे मकान में जो स्टाइल बैठा है, इनको ऊपर दो लाइनें है, पैरेलल लाइनिंग की वजह से पूरे ग्राउंड में अलग अलग डिजाइन बनने लगी. मेरे मन में आइडिया आई, तब मैंने ये डायगोनल का फन इन्वेट किया है और बोर्ड गेम डिजाइन किया है. इनका नाम ऑब्लिक्स है. इस गेम में जब दो प्लेयर खेलते है तब 10x10 की ग्रिड जो है वो काम में आती है. 10x10 की ग्रिड यानी 100 चौकोन होते है. Okay. हर प्लेयर को 50-50 चौकोन दिए जाते है. दोनों प्लेयर के कलर अलग अलग होते है. 1x1 हर प्लेयर वो बोर्ड पे चौकोन रखते है. अच्छा. धीरे धीरे शेप बन जाते है. हर शेप को अलग अलग गुण दिए जाते है. ओ. जब पूरी किट कवर होती है, दोनों जो खिलाड़ी होते है इनके पास के कार्ड खत्म होते है. पूरा गेम होने के बाद हर प्लेयर के गुण गिने जाते हैं. टोटल में जो ज्यादा होता है वो विनर कहलाता है. समझ गया. Shantaram ji, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा. ये काफी सिंपल गेम है बट काफी मजेदार लग रहा है. अगर मैं सही समझा, आप कह रहे हैं कि डायगोनल्स या स्क्वायर्स होंगे वो अलग रंग के होंगे और फिर उसके साथ जितने भी शेप बनाए तो फिर उसके बेसिस पे पॉइंट्स मिलते हैं. तो जितना बड़ा शेप उतना उतने ज्यादा ज्यादा मार्क होते हैं. तो Shantaram ji, ये गेम आपने किन किन लोगों के साथ खेलने की कोशिश की है? आप वाइफ के साथ खेला, लड़के के साथ खेला. कैसा लगा उन्हें? और टाइम पास होता है. हाँ. कितना टाइम लगता है? 30x30 की ग्रिड होती है, इनको 1.5-2 घंटा लगता है मैडम. और क्या ये गेम का पर्पस जो है, क्या वो टाइम पास है, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो मेंटल स्टिम्युलेशन है? किस पर्पस से आपने ये बनाया है गेम को? ये गेम तो टैलेंट बढ़ाने वाला गेम है सर. ज्योमेट्री का फिगर जो है जी. इनका ज्ञान होता है. Got it. तो अगर ये लैब स्टेज तक पहुंचेगा आपका आइडिया, आप कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में कि उस मटेरियल किसका बनेगा? वो मैग्नेट रखेंगे सर. हाँ जी. वो मैग्नेट जो है वो बोर्ड में वो चौकोन को पकड़ के रखेगा. हाँ जी. चेस बोर्ड जैसा होता है. ओके. वैसे बोर्ड डिजाइन करेंगे. मुझे ये गेम काफी क्यूट लग रहा है, काफी नॉस्टैल्जिक है. जैसे बचपन में हम खेलते थे सारे, whether it was जैसे वो चेकर्स खेलते हैं या even just सारे जो join the dots वाला गेम होता है, जो एक डॉट डॉट बना के आप बॉक्सेस बनाते हो. मुझे लगता है कि कोई मॉनसून के दिन पे चाय के साथ ये गेम बड़ा अच्छा मजा आता है. With the pokoras, I think the four of us should have a match. Sarovar, I think we can take the guys down. Yeah, yeah. अच्छा Shantaram ji, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी अपने गेम के बारे में, आपको क्या लगता है आपके स्टूडेंट्स ने कुछ समझा? हमें समझ आ गया, इनका पता नहीं मुझे. सब समझ गए मेरे को ऐसा लगता है. और हम अभी और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे विद अनदर इन्वेंटर कमिंग इन. थैंक यू सो मच Shantaram ji. Shantaram ji, थैंक यू. नमस्ते. लव द फैक्ट दैट ही इज एक्चुअली सो फार द ओल्डेस्ट इन्वेंटर, व्हिच इज प्रीटी इनक्रेडिबल दैट यू नो ही रिटायर्ड एंड नाउ ही इज डूइंग खेती एंड मेकिंग गेम्स. आई लव दैट. या इट्स रियली अमेजिंग.